हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम में पूछे गए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध जो है किससे है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव व्यवहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ पर दोस्तों खेलने और गाने की आज़ादी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति को फलस्वरूप होता है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये सभी जो है कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों RMSA है। तो दोस्तों RMSA क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CCE का तात्पर्य है। तो CCE का तात्पर्य होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों इसका प्रकाशन जो है 1956 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्न में से शिक्षा कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भू जल संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्मृति में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 10 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है 1986 में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणीय अशुद्धियां भी है, राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणीय अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है। तो उत्पीड़ितों का शिक्षा छात्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलो फ्रेरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है शिक्षक साथी है। तो शिक्षक साथी जो है शिक्षण सहयोग संदर्शिका के है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने का अनुमति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा आकलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे को पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे की व्यक्तित्व निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, दो संख्या मान लेंगे x और y। अब दोस्तों दिया गया है दो संख्याओं का योग 14 है, यानी x प्लस y बराबर दिया गया है 14, x माइनस y बराबर दिया गया है 10। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो y y कट गया, यानी 2x बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, अब दोस्तों इसको काटेंगे तो 12 बराबर कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। वाई का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर रख के, तो दोस्तों 14 में 12 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, यानी 12 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो दोस्तों 31 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है जो एक या अपने स्वयं से कटता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 2, 3, 5, 7, इसी तरह से दोस्तों 31 से कम तक लेंगे और सभी को जोड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 129 जोड़कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 24 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या है बताना है। ठीक है, अब दोस्तों 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 8 से यदि काटना होगा तो अंतिम तीन संख्या लेंगे, यानी संख्या का लास्ट तीन डिजिट लेंगे। यदि 8 से कट जा रहा है तो दोस्तों वो संख्या पूरी कट जाएगा। ठीक है, 3 से यदि काटना होगा तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, और यदि 3 से वो कट जाएगा तो दोस्तों वह जो है संख्या पूरी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं दोस्तों, 736। तो 736 दोस्तों 8 से कट जा रहा है। ठीक है, और इसको जोड़ने पर दोस्तों पूरा 27 आता है, और 27 जो है 3 से भी कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी तीन लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है? तो तीन लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल निकालना है और जो हमेशा विभाज्य होता है। ठीक है, तो तीन प्रकृत संख्या 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, गुना कर देंगे कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 दोस्तों कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 5, 8, 15 का चौथी अनुपातिक क्या होगा? तो 5:8:15:1 यानी चौथा अनुपात निकालना। ठीक है, तो 5 × 15 यानी 3 बार में कट गया, और 8 × 24 इसको गुना कर देंगे तो 24 यानी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 264 का 60% समान है। तो 264 का 60% निकालेंगे जितना आएगा, और इस ऑप्शन में सभी ऑप्शन को निकालेंगे जिसका इसके बराबर आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा यानी 24 मीटर जो है पूर्व की ओर चल रहा है, यानी इधर चल रहा है। ठीक है, और 10 मीटर उत्तर चल रहा है, 10 मीटर उत्तर चलता है। अब दोस्तों निकालना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है इसको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 दिया गया है, ये 24 है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हो गया, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100 जोड़ेंगे कितना होगा, 676, और 676 का रूट निकालें कितना हो जाएगा, 26। तो 26 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 15% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, तो 1400 क्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पर खरीद रहा है, तो दोस्तों 100 नीचे लिखेंगे, हानि कितना रहा 15%, यानी 100 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 85, इसी को काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब 14 × 85 करेंगे तो 1190 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 40 प्रकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहले 40 प्रकृत संख्या निकालना, 1 से 40 तक की सभी औसत संख्या कितना होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, n+1/2 होता है। ठीक है, अब 40+1 करेंगे तो 41 हो जाएगा, / 2 करेंगे इसको भाग देंगे तो 20.5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक एथलीट 24 घंटे में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगा, यानी चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 200 मीटर, ठीक है, समय कितना है 24 है। अब दोस्तों ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो किलोमीटर पर सेकंड में आंसर लाना है, तो 18/5 से गुना कर देंगे। अब इसी को काटेंगे
तो छोतिया 18, छो चौक 24, 4×5 50 बार में 200 कट गया, 50 दें 50 यानी 10×3 कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 15 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, बी अकेले जो है 20 दिन में काम करता है, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी जो है 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 और 20 3 60। अब दोस्तों अकेले निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया, 1 हो गया, यानी 60/1 करेंगे कितना हो गया 60 हो गया आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत की परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई के बीच डिफरेंस दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी x लंबाई ले लेंगे, वाई ले लेंगे चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना है 2 है। ठीक है, अब परिमाप दिया गया है 48, तो आयत की परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया गया 48 दिया गया। ठीक है, 24×48 कट गया। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 24 आ गया। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2 लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर वाई वाई कट गया, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 26, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी लंबाई का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, चौड़ाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो 24 में 13 घटाएंगे 11 आ जाएगा। अब लंबाई 13 आ गया, चौड़ाई 11 आ गया, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 13×11 करेंगे कितना आ जाएगा 143 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं, तो दिन का कितना प्रतिशत, जिसमें दोस्तों का लगा रहेगा वो नीचे लिख देंगे और घंटा जो दिया गया 3 घंटा ऊपर लिखेंगे, तो 3 और 24 घंटा का एक दिन होता है, तो 24 नीचे लिखेंगे गुने 100 कर देंगे, 3×8=24, 25×100 2×8 25/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 12.5% हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक घन में कितने सतहें होते हैं, तो 6 सतहें होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 4500 रुपये के कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5715 रुपया हो जाएगा, तो दोस्तों मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, समय दिया गया है, दर निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, एस आई निकाल लेंगे, एस आई कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन 4500 दिया गया है। ठीक है, घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 7 में से 5 के 2 और 1 यानी 1215 हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज। ठीक है, अब दोस्तों दर बराबर फॉर्मूला आता है ब्याज गुने 100, यानी ब्याज कितना है 1500 × 100 / मूलधन गुने समय, मूलधन 4500 दिया गया है, समय कितना है 3 दिया गया है, काट देंगे 0 से 0 कट गया, 3×4=12, 3×5=15 कट गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 9% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह कौन सा है, तो विषम चुनना कौन सा है, तो दोस्तों अल्टरनेट लेते हैं ए और बी, देखिए ए बी हो गया, यहाँ पर सी डी हो गया, यहाँ पर ए एफ जी हो गया, आई जे सब लगातार आ रहा है। अब दोस्तों एन पी में लेते हैं, तो दोस्तों एन ओ पी गैप हो रहा है एक का। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू लगातार है, एस टी लगातार है, वी डब्ल्यू लगातार है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो विषम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरएख द्वारा संघों को सदस्यता प्रदर्शित किए गए किस भाषा में तीनों संघों का सदस्य है, तो दोस्तों सही से फिगर दिख नहीं रहा, लेकिन 7 दोस्तों कॉमन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिया गया है सी ए टी को एक कूट भाषा 3120 लिखा जाता है, इसी प्रकार एन ए वी आई एन का उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सी ए टी सी का कितना होता है दोस्तों, तो सी का होता है, सी का दोस्तों होता है कितना 3 होता है, ए का क्या होता है 1 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, तो यही लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार एन का क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, ए का क्या है 1 होता है, वी का कितना होता है 22 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एन का 14 होता है, तो ऑप्शन कौन सा दिया गया 14, 122, 914 ऑप्शन डी में दिया गया, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन, एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वें स्थान पर है, दोनों ओर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल संख्या निकालना कितना है,
अनुकूल व्यक्ति कितना है, तो दोनों ओर से पाँचवा स्थान है, यानी पाँच प्लस पाँच करेंगे माइनस वन कर देंगे, कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किचन नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, तो दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको काउंट करिएगा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसका 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है उचित संख्या भरकर श्रृंखला पूरा करें, तो यहाँ पूरा करना है, तो दोस्तों यहाँ पर तीन चार हो गया, चार से पाँच हो गया, पाँच से छः हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक से दो हो गया, दो से चार हो गया, और चार से कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक बढ़ गया, यहाँ पर दो बढ़, यहाँ पर एक जोड़ते हैं तो दो हो गया, यहाँ पर दो जोड़ते हैं तो चार हो गया, यहाँ पर तीन जोड़ेंगे तो चार तीन सात हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा करें, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों चार का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 होगा, दो का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, चार होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 20 हो गया, यानी 20 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 9 का 81 हो जाता है, और 3 का 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विचार को जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है, तो पानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरकर श्रृंखला को पूरा करें, तो श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है, 145 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 162 है, तो दोस्तों 162 लाने के लिए 9 + 8 यदि करते हैं, 9 + 8 यानी 17 को यदि जोड़ते हैं इसमें तो 162 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों 8 का यदि स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, दोनों को जोड़ेंगे तो 233 हो जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 8 + 13 करेंगे तो 21 यदि इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 254, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।